ये देखिए गाइस, अब हम एक सुपर हेल्दी एक और चीज बनाने जा रहे हैं अपने बानियान मिलेट का इस्तेमाल करके। सावा, बगर, मोरैया जो भी बोल लीजिए, इसका इस्तेमाल करके हेल्दी मिक्स वेजिटेबल का हम एक टिक्की जैसा बना रहे हैं, जो आलू टिक्की जैसा ही होगा। जिसके लिए हमने ये आलू उबाल लिए हैं, लगभग 400 ग्राम के आलू लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 4 इंच के जितना मैंने शकरकंदी भी उबाल ली है। तो चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इन आलू को हम यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने कद्दूकस थोड़े से आलू कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसा आपको करना है, ऐसे सारे आलू को कर लेंगे। अब गाइस ये देखिए, हमारे आलू बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब इसमें हम एक बड़ा सा हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल रहे हैं। इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं या नीरा भी डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। इसमें लगभग एक छोटे प्याज डाल दीजिए जो बारीक कटे हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें एक चम्मच के जितना हम इसमें चटपटा दमालू मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा इसको चटपटा बना रहे हैं। इसके साथ साथ ही गाइस हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची डालेंगे, ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, ये देखिए गाइस हमने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। अब इसके साथ साथ हम इसमें हरा धनिया, पुदीना ये डालेंगे, थोड़े से हमारे पास कलरफुल रेड बेल पेपर्स हैं, वो पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हमने इसमें। और इसके साथ जो हमारा सुपर हीरो है, ये हमारा सोक्ड सांबा, ये भी डाल सकते हैं, मोरैया जिसको हम बोलते हैं, ये भी डाल दे रहे हैं। इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच जितना डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टेज पे आप अरारोट पाउडर डालिए, थोड़ा सा बिल्कुल बाइंडिंग के लिए। अब इसको मिक्स कर ले। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया था कि आप थोड़े बैच में हम बीटरूट प्यूरी मिलाएंगे, तो ये देखिए हमने बीटरूट प्यूरी मिला दिया है। अब इसकी भी हम टिक्की बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, उसी जंबो बीटरूट बैटर से जो आलू और सामा को हमने यूज करके बनाया था, एक हमने और टिक्की बना ली है, और ये बड़ी साइज का टिक्की बनाई है जिसके अब हम बर्गर की तैयारी करेंगे। तो इसको हम, पैन हमारा गर्म है, उसमें डाल देते हैं। ये देखिए गाइस, हमने बिल्कुल पैन में ये डाल दिया है हमारे पैटीज को, और ये अच्छी तरह से धीरे धीरे पक रहा है। इसमें इसकी साइड्स को भी अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़े कॉर्नफ्लेक्स अगर साइड में निकल जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको अच्छी तरह से रोकर दोनों साइड बिल्कुल क्रिस्पी करेंगे, ताकि हमारे बर्गर में ये जब जाए तो बाहर ना निकले और टूटे नहीं। ये देखिए गाइस, हमारे बिल्कुल बर्गर पैटी रेडी हो गई है, जो बिल्कुल बीटरूट के फ्लेवर की बनाई है। देखिए गाइस, हमारे पास ये स्वीट बन है, जो बर्गर बन है, इसको हम सेंटर से काट लेते हैं, और काट के हम थोड़ा सा इसको क्रिस्प कर लेते हैं हमारी ये साइड को। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्प कर ले रहे हैं इसको इसी पैन में, ताकि थोड़ा क्रिस्प हो जाए, ये अपर लेयर भी क्रिस्प हो जाए और लोअर जो लेवल है वो भी क्रिस्प हो जाए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लगा दिया है, अब ये क्रिस्प कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे बर्गर बन बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें, हमारे पास तंदूरी मेयोनीज है, वो लगा दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई सा भी प्लेन मेयोनीज, अचारी मेयोनीज, ठीक है, और कोई भी पिज्जा ड्रेसिंग का भी मेयोनीज, चीज सॉस, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे तंदूरी मेयोनीज लगा रहे हैं, जो स्पेशली ये हमारे बर्गर के लिए है। दोनों बेस में लगाएंगे और फिर हम अपनी वेजीज अरेंज कर लेते हैं। देखिए गाइस, थोड़ा सा हम इस पे ओनियन स्प्रिंकल करते हैं, फिर हमारे एक लेयर टोमेटोस की लगाते हैं, बिल्कुल थिन स्लाइस लगाइए। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कैबेज है, वो हम लगा रहे हैं
साथ ही साथ थोड़ा सा हम इस पे रेड चिली फ्लेक्स जो है वो फ्लेक्स इंट्रेस कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, सीजनिंग डाल। अब हमारे जो बीटरूट और कॉर्न की टिक्की है इसके ऊपर हम अरेंज कर रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर ये टॉपिंग लगा देते हैं। साथ ही साथ थोड़े से टोमेटोज की स्लाइस और डालेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी बिल्कुल बीटरूट कॉर्न टिक्की बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है। आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कि ये टेस्ट में आपको कैसे लगी। बाय बाय दोस्तों। हेल्दी वर्जन वाला स्वीट बर्गर तैयार है जिसको मैंने बीटरूट और आलू और सामा के राइस से बनाया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा जरूर। बिल्कुल एक हेल्दी ऑप्शन है, इसमें कुछ भी जंक फूड जैसा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को खिलाइए और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी